सलमान खान के पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 18 को लेकर इन दिनों खूब बज बना हुआ है, क्योंकि प्रीमियर का समय भी नजदीक आ रहा है और ऐसे में इसको लेकर फैंस भी हैं काफी एक्साइटेड। वहीं शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर भी कई तरह की खबरें हैं। वहीं शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। शोएब इब्राहिम, धीरज धूपर, निया शर्मा, नायरा बनर्जी, चाहत खन्ना, वेटरन एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी, तो वहीं पॉपुलर चाय वाला डॉली चाय वाला भी शो में नजर आएंगे। जी हाँ, खबरें हैं कि डॉली चाय वाला भी शो का हिस्सा होंगे। वहीं बिग बॉस में आने के लिए डॉली कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं, इसको लेकर भी कई तरह की खबरें हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉली चाय वाले ने बिग बॉस शो में आने के लिए मोटी रकम की मांग की है। बता दें कि डॉली चाय वाला अपने खास अंदाज में चाय पिलाने के लिए देश से लेकर विदेश में भी पॉपुलर हो चुके हैं। उनकी दुकान पर बिल गेट्स भी चाय पी चुके हैं, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी अचानक ही काफी बढ़ गई। अब खबरें हैं कि बिग बॉस के मेकर्स ने डॉली चाय वाला को शो के लिए अप्रोच किया है, लेकिन शो में आने के लिए डॉली चाय वाला ने मोटी रकम की मांग की है। खबरें हैं कि बिग बॉस के लिए डॉली चाय ने 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह की मांग की है, यानी कि एक घंटे का लगभग 12,000 रुपए। वहीं ऐसी खबरें भी हैं कि इससे पहले डॉली ने बिग बॉस OTT के लिए 10 से 15 लाख रुपए की मांग की थी और इतनी मोटी रकम के कारण उन्हें शो में नहीं लिया गया था। लेकिन अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने इस भारी रकम के साथ डॉली चाय वाला बिग बॉस सीजन 18 में एंट्री मार पाते हैं या नहीं। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.